कंतरा बेसिकली एक कन्नड़ शब्द है, इसे इंग्लिश में मिस्टिकल फॉरेस्ट बोलते हैं और वहीं हिंदी में इसे हम रहस्यमय जंगल। और ये मूवी ओरिजिनल में 30 सितंबर को रिलीज किया गया। स्टार्टिंग में इस फिल्म को स्क्रीन भी ज्यादा नहीं मिला था, लेकिन इस कंटेंट के अंदर इतना दम था कि पब्लिक इस फिल्म देखने के लिए बहुत इंटरेस्ट बढ़ते गए। और वहीं हिंदी में इस फिल्म को 14 अक्टूबर को रिलीज किया गया, मतलब ओरिजिनल रिलीज डेट के ठीक 15 दिन बाद। इस फिल्म को देखने के बाद मैं गहरा सोच में बैठ रहा था कि इस फिल्म के लिए ऐसा क्या खास बात है जो पब्लिक इसको भर भर के प्यार दे रहा है, और ये फिल्म उस लायक भी है। और इस फिल्म का जो बजट है ना सिर्फ 16 करोड़, लेकिन 16 अक्टूबर तक ये फिल्म 97 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है। तो स्टार्ट करते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें, मोस्टली क्लाइमैक्स। इस फिल्म का लीड रोल में ऋषभ शेट्टी, जो खुद डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। ये मूवी डायरेक्शन के साथ साथ इसका राइटिंग, इसका कैमरा वर्क, इसका साउंड इफेक्ट, उसके साथ मेकअप, फिर सबका जो परफॉर्मेंस था, सब कुछ मिलाकर एक मास्टरपीस होके बाहर निकला है। मूवी की कहानी शुरू होती है 1845 से लेकर 1850 के बीच। एक राजा होती है जिसके पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। राजा अपनी मन की शांति के लिए सभी अलग अलग राज्यों में घूमता रहता है, लेकिन एक दिन एक जंगल में एक अचानक से एक पत्थर की मूर्ति मिल जाता है, जिसको मिलने के बाद राजा को मन की शांति मिलता है। और वही एहसास होता है कि जिसके चलते वो दिन ब दिन दर ब दर भटक रहा था, वही शांति उनका सामने है। उस पत्थर के मूर्ति में ही राजा का खुशी है। पर वो मूर्ति कुछ ट्रैवल करने वाले लोगों की होती है, उनमें से एक फैमिली है पोंजू वाली देव। वो खुद आते और राजा को मूर्ति के बदले में 100 एकड़ की जमीन मांगते रहने के लिए, और राजा खुशी खुशी उस मूर्ति के लिए 100 एकड़ की जमीन उन सबको दे देता है। और वो सभी वहीं पर ही रहता है और टाइम पर टाइम अलग अलग फेस्टिवल मनाते रहता है, और कहानी धीरे धीरे पेजेंट में आ जाता है। अभी के टाइम के राजा का जो न्यू पीढ़ी है उनको ये बात हजम नहीं होती कि पहले के पूर्व पुरुष कैसे पत्थर के लिए 100 एकड़ की जमीन किसी को दान दे सकता है, वो भी अभी के टाइम में 100 एकड़ की जमीन की दाम बहुत है। इसके चलते राजा का जो न्यू जनरेशन है वो उन जमीन से उन लोगों को हटाना चाहता है, ये बोल के वो जमीन का मालिक वो है। लेकिन जमीन किसके मिलता है इसके लिए तो आपको मूवी देखना पड़ेगा, लेकिन मेरा मेन टारगेट है फिल्म का क्लाइमैक्स। व्हाट एन परफॉर्मेंस ऋषभ शेट्टी, अद्भुत, अनकहीं, अनसुनी, अनदेखा, अपरिचित, ऐसा फिल्म का क्लाइमैक्स अभी तक मैंने किसी और फिल्म में नहीं देखा। लास्ट के 25 मिनट आपका सांसें रुक जाएगा, हर किसी के बस की बात नहीं फिल्म का क्लाइमैक्स आसानी से भूल जाए, सालों सालों तक याद रहेगा। जब भी ऋषभ का फिल्म है वो चीज हमेशा याद रहेगा, व्हाट एन परफॉर्मेंस दिस फिल्म। इसका विजुअल, सिनेमेटोग्राफी, कैमरा वर्क, उसके साथ जो ऋषभ शेट्टी का परफॉर्मेंस, भाई दिल छू लिया। और ऐसे क्लाइमेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार, स्पीचलेस हूं। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, फिर मिलेंगे ना किसी और वीडियो में मूवी रिव्यू के साथ। बाय बाय।